ओके अभी चल लेट्स स्टार्ट योर फुल मॉक फॉर एचपीएससी। सो स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। सर, माय नेम इज अभिचल सिंह। आई एम फ्रॉम ललितपुर, उत्तर प्रदेश। आई हैड बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। माय फादर इज टीचर, माय मदर इज हाउसवाइफ। इन माय कॉलेज डेज आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड एनसीसी। माय फर्दर हॉबीज आर प्लेइंग वॉलीबॉल, फिजिकल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। बॉडी वेट एक्सरसाइज, फ्री वेट एक्सरसाइजेस। ओके। एनीथिंग यू वांट टू टेल योर अबाउट? व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर बीटेक? 2020। 2020। यस सिंस देन यू आर प्रिपेयरिंग? यस सर। ओके। एंड यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? यस सर। Have you applied for any other interview? No, sir. This is my first interview. Your first interview. Yeah. So, NCC mein, what certificate you got in NCC? A, B, C? Sir, B certificate. B certificate. Yes. So, can you explain how the NCC have been beneficial to you? Sir, and in NCC, sir, they teach lots about sir unity, about मतलब sir कैसे unity में रहना है sir, ये सब मतलब NCC काफी वहाँ पे हमने ये सीखा। उन लोगों ने sir मतलब काफी मतलब hard working जो training दी, उससे भी काफी चीजें sir सीखने को मिली। और sir वहाँ का सर सबसे बेस्ट सर की डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट सर वहाँ का है, उससे सर काफी कुछ सीखने को मिला डिसिप्लिन लाइफ में होना। एनसीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट या एनसीसी जो एक स्टार्ट हुआ था, वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1947 आई थिंक सर, बॉयज का 1947, गर्ल्स का सर 1949। Okay. Yeah. Is the volleyball is a Olympic game or not? Yes, sir. Olympic game. Olympic game. Yes. NBA kya hota hai? Yes, sir. NBA. NBA ka naam suna hai? Sorry, sir. NBA. So basketball na hota hai? No, sir. Sorry, sir. Okay. NBA. ठीक है। आपका प्रोजेक्ट क्या था फाइनल ईयर का? सर, ऑटोमेटिक इरिगेशन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया था हम लोगों ने फाइनल ईयर सर। यस सर। उससे क्या एडवांटेज क्या मिला था आपको? सर उससे हम लोगों ने सर उससे एडवांटेज सर ये था कि इरिगेशन के दौरान सर जो इंडिया में मतलब सर 56% पॉपुलेशन सर पूरा अपने फार्मिंग इस पे डिपेंडेंट है, मतलब इस ऑक्यूपेशन में है, तो सर इरिगेशन में पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस ये सब चीज़ें सर हम लोगों ने सोच के कि एक आइडिया सर वो इरिगेशन की, ये इरिगेशन के दौरान सर जो पानी वेस्टेज होता है उसको सर कम। थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट था आपका या प्रैक्टिकली यू हैव डेवलप्ड? सर थोड़ा सर उसमें लॉकडाउन था तो सर थ्योरेटिकली डिजाइन किया था उस समय। ठीक है। यस। अच्छा, उसमें क्या नोजल, किस टाइप के नोजल्स नोजल्स का यूज किया ना उसमें? सर एक YL69 सॉइल सेंसर का यूज किया है सर उसमें। और सर उसमें सॉइल सेंसर क्या सेंस करता है? जैसे उसमें टू स्ट्रिप्स रहती हैं, एक
उसको सर सॉइल में उसको मतलब अंदर डालने से जो दोनों स्ट्रिप के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है सर, अगर सॉइल मॉइस्ट होगा तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस उसके बीच में कम होगा, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस लो होगा। और अगर सॉइल सर ड्राई होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो अच्छा, सर अगर यही मैं पोटेंशियल। यस सर, सुनिए, अब यस अगर सर, आप यहाँ हिमाचल में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेटर ऑन यू गोट द अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट टू बी ज्वाइनिंग योर स्टेट यूपी, तो यस क्या करेंगे आप? सर, आई विल रिमेन इन हिमाचल सर, बिकॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑल्सो इट इज माई ड्रीम टू वर्क देयर, देयर क्लाइमेट कंडीशन, देयर एंड माउंटेन, मतलब दीज थिंग्स आर सर रियली आई एम वेरी मतलब सर। ठीक है, नाउ यस सर, यू टेल मी अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। सर मशीन पावर सिस्टम। मशीन एंड पावर सिस्टम, श्योर। यस अच्छा, यस सर, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना? यस सर, उसका वोल्टेज लेवल वो 100 KV का है, ठीक है ना? यस सर, उसका कुछ वोल्टेज लेवल है और कुछ करंट है, उसकी जो भी 50 Hz पे वो डिजाइन किया गया। अब उसकी हम फ्रिक्वेंसी 60 Hz कर देते हैं, ठीक है ना? यस सर, यस सर, ठीक है, 60 Hz यस कर देते हैं तो उसकी KVA रेटिंग कितनी होगी? सर, केवी रेटिंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ना सर, फिर केवी सर इंक्रीज होना चाहिए। वही तो पूछ रहा हूँ, कितना हो गया? सर पहले, सॉरी सर, एक बार सर फिर से अगर आप। 100 KVA था पहले, ठीक है ना? यस सर, यस सर, ठीक है ना, उसका कुछ वोल्टेज 120 हो लेवल जाएगा सर, सर 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा, तो यस क्या बढ़ेगा, वोल्टेज या करंट? सर, वोल्टेज बढ़ेगी। वोल्टेज बढ़ेगी तो इंसुलेशन नहीं ब्रेक हो जाएगा? यस सर, ये तो प्रॉब्लम थोड़ा। यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली सर, इंसुलेशन प्रॉब्लम आएगी सर, पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, ठीक यस है? यस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बना के दिखाइए मेरे को, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स सर, कॉपी से दोबारा, ओके, इसमें कहाँ दिखा है आपने, स्लिप कहाँ है, टॉर्क कहाँ है? सॉरी सर, सॉरी सर, टॉर्क वाई एक्सिस में, स्लिप एक्स एक्सिस स्लिप उधर बढ़ रहा है, घट रहा है? सर, स्लिप इधर घट रही है स्टेबल रीजन कौन सा है इसमें? सर। स्टेबल रीजन ये जो सर, जो पीक के राइट साइड में स्टेबल रीजन है, जो लो स्लिप पे सर, लो स्लिप पे जो लास्ट। ठीक है, और नाउ सर विल टेक फॉर फर्दर। ओके यस राजू सर, यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। राजीव सर, हेलो। चलिए सर, कहीं पे थोड़ा लगता है अभी, ठीक है। अच्छा, आपका दूसरा फेवरेट पावर सिस्टम है, ठीक है ना? यस सर, यस,
हाईएस्ट वोल्टेज एसी वोल्टेज लेवल कितना है ट्रांसमिशन का इंडिया में? सर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो कहना ही से बताइए। 765 की भी एसी का पूछा मैंने। ओके सर एसी का 465 कुछ ऐसी सर लगभग 400 केवी कुछ सर ऐसे है एसी का तो नहीं सर मैं श्योर नहीं हूँ सर इसमें। जैसे हिल स्टेशन है बड़े बड़े हिल स्टेशन है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है yes, वहां पे हमें एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा लेके जाना है तो कैसे करोगे आप? थ्री फेज ट्रांसफार्मर हमें लगाना है वहां पर तो क्या प्लानिंग होगी आप? तो सर हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो सर थ्री कोर ट्रांसफार्मर डिजाइन करेंगे मतलब थ्री कोर ट्रांसफार्मर ले जाना वहां सर प्रायोरिटी हमारी होगी सर। तो एक एक ट्रांसफार्मर सर हम लोग एक एक फेज को अलग अलग ट्रेवल करा के वहां पे लेके जाएंगे सर। अच्छा कोरोना का कोरोना इफेक्ट सुना होगा आपने? यस सर यस। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? सर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अच्छा कोरोना इफेक्ट होता क्या है? विशाल लाइन सर आती है तो जो बहुत हाई वोल्टेज को सर ये डिस्चार्ज करता है एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू तो काफी कुछ वोल्टेज सर वो एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होने की वजह से जो सराउंडिंग में जाते हैं उसकी वजह मतलब वो सर चलिए हाई स्ट्रेस नहीं पड़ता ट्रांसमिशन लाइन में कुछ। ओके राजीव सर ओवर टू यू। राजीव की आवाज नहीं आ रही। अभी चल एक मिनट मैं राजीव सर को यस सर हाँ राजीव सर आप कंटिन्यू करें। ओके ओके अविचल गुड आफ्टरनून सर। ओके आई एम ऑडिबल? यस सर यस। ओके सो बेसिकली द पोस्ट इज फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर राइट? यस सर। ओके चल टेल मी what are the things that mostly consider in the field of the transmission and distribution in the term of electrical I am talking about
सर लॉसेस आई लॉसेस वी मस्ट मिनिमम सर मिनिमम लॉसेस हम लोग को प्रिफर करना चाहिए सर व्हाइल सेंडिंग पावर इन ट्रांसमिशन लाइन और कॉस्ट यस सर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इंडिया इंडिया का कितना है कंपेयर विद अदर कंट्री सर वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सर सॉरी सर आई हैव नो आईडिया ट्रांसफार्मर होता क्या है सर ये स्टैटिक डिवाइस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक मीडियम में एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए सेंड करने के लिए कितने टाइप ट्रांसफार्मर सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर शेल टाइप ट्रांसफार्मर यही सर कोर टाइप शेल टाइप थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अरे एक चीज बताना यस पैरेलल ऑपरेशन तो ट्रांसफार्मर के लिए कौन-कौन से कंडीशन मस्ट है सर पोलैरिटी सेम होनी चाहिए वोल्टेज की वोल्टेज पोलैरिटी मस्ट बी सेम मस्ट कंडीशन तो सर यही बाकी भी सर और कंडीशन है पर ये तो सबसे मस्ट सर ये है एक तो सर फिर वोल्टेज और सर वो एसेंशियल कंडीशन है फिर सर और दो डीसी जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन है टर्मिनल वोल्टेज दोनों का सेम रहे सर कि सर्कुलर करंट ना फ्लो और जो कि जो लॉसेस जनरेट करेंगे सर्कुलर करंट वे से और सर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो सर नहीं डीसी जनरेटर बोला सॉरी लॉसेस सेम हो अच्छा ऑटो ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर बेसिक डिफरेंस क्या है सर ऑटो ट्रांसफार्मर सर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली यूज करते हैं ज्यादा हाई वोल्टेज को सर हम लोग उसमें स्टेप अप नहीं करते ऑटो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां सर वोल्टेज का जहां लॉस होता है तो थोड़े बहुत वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं यहां सर जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सर हम लोग हाई वोल्टेज को मतलब हाई वोल्टेज सर स्टेप अप डाउन करते हैं मोर हाई नहीं मतलब सर ऑटो ट्रांसफार्मर के रिलेटेड मतलब तुलना में एनी अदर और सर ऑटो ट्रांसफार्मर में सर ये शॉर्ट सर्किट करंट बहुत हाई होता है इसलिए सर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज नहीं करते हैं ज्यादातर और सर ये मेन रीजन है सर कि शॉर्ट सर्किट करंट उसका बहुत हाई होता है इसलिए हम लोग जल्दी प्रेफर नहीं करते उसको अच्छा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट यस सर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेस होते हैं वो कितने टाइप के लॉसेस होते हैं कॉपर लॉस होता है जो कॉपर लॉस अच्छा है या कोर लॉस कॉपर लॉस तो सर अच्छा नहीं है और लॉसेस तो सर ये तो सर डिसएडवांटेज होगा सर डॉलर लॉसेस अच्छा कौन सा ऐसा कंडीशन है जब ये कहा जाता है कि जो लॉसेस जो है इट इज एडवांटेज इन द मशीन कॉन्स्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाएगा अच्छा एक चीज बताओ ब्लैकआउट क्या होता है ब्लैकआउट कंडीशन सर आइडिया नहीं है ब्लैकआउट आइडिया नहीं है अच्छा बायोमास या बायोगैस प्लांट के बारे में कुछ पता है पावर प्लांट के बारे में बायोमास
सर वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी से कितने बनते हैं बायो बायो बायोमास पावर प्लांट बायो ये अपने जैसे सर खाद हो गया इन सब की मदद से बनाया जाता है। इंडिया में टोटल बायोमास प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? सॉरी सर इसके बारे में कंफर्म नहीं है। चेस्काडा क्या होता है सर? ये सुपरवाइजरी सिस्टम एक तरीके से होता है सर। स्काडा ये सर सिस्टम को सही जज करता है, मतलब सर ये सिस्टम को मतलब सुपरवाइज करता है कि कौन सा सिस्टम कितनी देर तक चला है, कितनी देर तक ऑन हुआ है, ऑफ हुआ है। ये सिस्टम सर इसी पे सर डिजाइन है कि ये पूरा जो पूरे सिस्टम को जो कनेक्टेड है सर ट्रांसमिशन लाइन में उनको कंट्रोल करता है सर। कंट्रोल नहीं सर, इन द सेंस मतलब उनको सुपरवाइज करता है कि कौन सिस्टम कितनी देर ऑन रहा, ऑफ रहा। ये सर स्काडा सिस्टम होता है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? यूजेस सर अपने ये सब स्टेशन में यूज, ट्रांसमिशन लाइन में सर यूज कर सर वही यूज करते हैं इसका। और भी जैसे एनी अदर एरिया सर? अच्छा जो भी फॉल्ट होते हैं, ठीक है, जनरली अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या 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 कर सकते हैं सर? उसमें न्यूट्रल वाइंडिंग यूज करते, अरे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस ग्राउंडिंग करते हैं सर। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में पता है आपको? रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन सॉरी सर अभी याद पढ़ा है सर उसके बारे में पर परफेक्ट पढ़ा। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जा रहे हैं इंटरव्यू में? कब इंटरव्यू कब है तुम्हारा सर? 21 कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जा रहे हो? सर पढ़ा तो मैंने लगभग थोड़ा थोड़ा सब है पर ज्यादातर मुझे सर मशीन से थोड़ा सा था, मशीन पे है मतलब कि है, और सर पावर सिस्टम थोड़ा। पर आंसर कहाँ हो रहा है क्वेश्चन के? सुनो एक काम करो, तुमने सबसे पहले काम करो कि पावर सिस्टम में ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफार्मर हो और इंडक्शन मशीन, ये तीन टॉपिक पहले प्रिपेयर करो अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और इंडक्शन मशीन। हाँ, ट्रांसफार्मर, देयर आफ्टर इंडक्शन मशीन। ठीक है, फॉल्ट के बारे में एक बार देख लेना, और फॉल्ट फॉल्ट और सर्किट में कर, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट एलजी ट्रिपल एलजी और डिफरेंट टाइप ऑफ रिले, एक बार इसको गो थ्रू कर जाना। अविचल कब है इंटरव्यू आपका सर? 21 आज कितना हो गया 17, 3-4 दिन है। ठीक है ना, अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई को, मशीन का मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक है, लेकिन और चीजों में की जरूरत है। ठीक है, तुम सीधा ब्लैकआउट हो जाते हो कोई भी क्वेश्चन में, इस तरीके से नहीं होना। और ब्लैकआउट पता है क्या होता है ब्लैकआउट? एकदम से किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जब ज्यादा लोड पड़ता है तो वो सीधा ट्रिप कर जाता है, और वो ट्रिप करते हुए निकल जाता है, पूरा सिस्टम को ब्लैकआउट कर देता है। तुम्हारे साथ वही एक साथ हो जाता है, पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ वही वही हुआ है। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके चक्कर में पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम उस मतलब कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा हिल जा रहा है इंटरव्यू के अंदर। इस तरीके से ब्लैकआउट नहीं होना, ठीक है? हाँ सर। हाँ अविचल, मेरा दो एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हुआ है, थोड़ा इंट्रोडक्शन में भी इम्प्रोवाइज करो दोस्त, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन में आप बोलो सर, माई सेल्फ अविचल सिंह,
ठीक है ना, आई बिलोंग्स टू लखीमपुर यूपी, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एमएमडी इन 2020 एंड सिंस देन आई प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम एंड ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई गॉट द बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, ठीक है ना, एंड आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल एंड डू सम वेट एक्सरसाइज, थोड़ा सा एक फ्लो में उसमें बताना आपको, ठीक है। फिर जो एनसीसी से आपके बारे में पूछा जाएगा बेसिकली, क्या एनसीसी से आपने सीखा है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में एनसीसी की, तो आपको बोलना सर ड्यूरिंग एनसीसी पीरियड आई गॉट द आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड आई लर्न द एबिलिटी ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी एंड हाउ टू बी एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, मतलब कुछ बताना है, ये सब क्लियर होना चाहिए माइंड में, क्या सीखा है आपने उससे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपसे मेन क्वेश्चन पूछा था कि इरिगेशन वाला सिस्टम, इरिगेशन में सिंपल बताइए सर, उसका जब आपसे कोई डिटेल में पूछेगा देन यू हैव टू टॉक टू इन द डिटेल, अदरवाइज इनिशियली तो यू हैव टू टेल कि सर इन इरिगेशन सिस्टम वी डिजाइन हाउ टू रिड्यूस द वाटर कंजप्शन, सिंपल ऐसे बताना, उसको ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इंडिया में 54% पॉपुलेशन यूज कर रही है वो कर रही है, ठीक है ना, टू द पॉइंट रहना, फिर जब वो दे नीड एक्सप्लेनेशन देन यू कैन एक्सप्लेन कि बाय यूजिंग द सेंसर ऑफ व्हिच सेंस द मॉइस्चर ऑफ द क्या बोलते हैं सॉइल, तो वी हैव ऑपरेटेड द वेरियस वॉल्व फॉर क्या बोलते हैं वाटरिंग द, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था आपसे कि आप अगर हिमाचल प्रदेश में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, नेम अगर अपॉर्चुनिटी इन योर स्टेट जैसे यूपी, ठीक है ना, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कौन से इसमें, तो आप सिंपली बोलना है इसको, उसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये वेदर अच्छा है ये, सिंपल रखना है सर, सर आई हैव बीन पास सिंस टू ईयर एंड इफ आई गोट द अपॉर्चुनिटी इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद हिमाचल स्टेट बिकॉज इफ अगेन आई ट्राई टू बी इन यूपी स्टेट तो माई एज विल बी ऑन हायर साइड एंड आई विल नॉट बी गोट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन द जो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स होंगे वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे, फिर दोबारा से इनिशियली जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो और मेरे को आई नीड अ जॉब और क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटी तो एंड हियर आई विल हैव द क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स ऑफ एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड क्या बोलते हैं मे बी समवेयर इन सोलर एनर्जी का भी, ठीक है ना, तो वो रियल बताना आपको, ऐसे नहीं भाई वेदर अच्छा ये है वो, आपको जो बताना कि सर मेरे को अभी यहाँ की अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द यूपी बट अगर बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल चेक, मतलब अभी तो मेरा एज का फैक्टर आता ही है कि एज बढ़ जाएगी तो ठीक है ना, तो इट विल टेक 2-3 ईयर तो और फर्दर में आपका वो, ठीक है, yes. इस तरीके, और जो सर ने बोला है टेक्निकल्स के ऊपर उसमें थोड़ा सा ध्यान दो, और सर के साथ और एक और सर है उनके साथ आप लोग वो कर सकते हैं स्नैप लगा सकते हैं, अभी तो 21st तक है आपको, ठीक है, हाँ, डू प्रैक्टिस ऑफ मशीन एंड पावर सिस्टम, ठीक है ना, एक बार रीडिंग मारी जा सकती है 3-4 दिन में, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज ए चैलेंज, ठीक है, yes. चलो गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।